बस फ्रेंड चलते हैं किचन की तरफ। वेल मैंने अभी भी निकाल के रखा है दूध, और ये है रब्जा की बोतल। हाँ समझ जाइए, रमज़ान आ रहे हैं, अगर आपको ये बोतल दिखाई दे देती है तो बस भाई को तो बस यही पीना है दूध। भाई ने बोला था बस खुदा मुझे दूध ही देना। और गाइज मैंने अपने लिए जो था एक पराठा बना के ही रख लिया था जिससे हम लोग डिनर कर रहे थे, तो बस मैं गाइज यही खाने वाली हूँ। और फिलहाल जल्दी जल्दी कर लेते हैं और फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। आदत नहीं है उठने की तो इसलिए पास ही आ रही है सी। तो गाइज थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से, व्लॉग्स में बने रहे हैं आप लोग। तो गाइज आज के दिन की शुरुआत हो गई है और काफ़ी लेट ही उठे हैं हम, और अभी का कुछ आपको दिखा देती हूँ घर में क्या हो रहा है हमारे। वेल गाइज अभी देखिए 11 बज रहे हैं और अभी वेल मैं अभी अभी ही जस्ट उठी हूँ। और गाइज इधर चलते हैं, यहाँ देखिए आप महाद बना रहे हैं होली, और यहाँ देखिए आप ये बच्चा जो है हाथ में बैलून लिए खड़ा हुआ है, और इनके अब्बा ने ला के दे दी है बड़ी वाली जो है ये पिचकारी, और ये है पानी में बैलून्स इनके। तो भाई बच्चे का शौक है पूरा करना ही पड़ता है। और अब यहाँ देखिए, ओ माँ हाथ किसको मार रहे हो। तो बस गाइस इसी के साथ जो है आज के दिन की शुरुआत है। नीचे भी आपको लुक दिखा देती हूँ, सब लोग देखिए वहाँ पर खड़े हुए हैं और होली के कलर से जो हैं वो पूरे रंगे हुए हैं। तो बस यहाँ देखिए, और उसी के साथ गाइज आप लोग व्लॉग में बने रहें, इंजॉय करते रहें व्लॉग को और महत की हरकतों को भी इंजॉय करते रहें। हैप्पी होली, बुरा ना मानो, होली है। तो बस फ्रेंड्स होली का तो हो गया, महत के बैलून्स खत्म हो गया। मैंने सोचा महत को कुछ बना के खिलाऊं, तो बस इनका मैं यहाँ पर फ्राई एग जो थी वो बना रही थी। और उधर के साथ आपको दिखा देती हूँ घर में फाई जो हैं वो भी नहा के बिल्कुल तैयार हो गए हैं और अपना मोबाइल वॉच वॉच कर रहे हैं। और टाइम देख लिया आप, 12 बजने वाले हैं, 11:30 ही हुए हैं। और ये बच्चे के मैंने कपड़े चेंज कर दिए हैं क्योंकि वो पूरे कपड़े जो थे गीले हो गए थे। तो पहले इनका जल्दी से एग बना के दे देते हैं इनको। तो बस यहां देखिए दोनों जो हैं अब्बा और बेटे यहां बैठे हुए जो हैं दुआ मांग रहे हैं। तो बस गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज जो है शबे बारात है, तो उसका रोज़ा रखा था मैंने और फाई ने। तो बस अब हो गया है, नमाज़ पढ़ ली है, अब आ गए हैं किचन में और बना के अब बनाएंगे जूस। तो गाइस रात मैं गई थी, माया और फाई गए थे बाहर, और ये है गाइस मेरा फेवरेट हिटकारी का जो जूस मैं लेके आती हूँ, फ्रूट सिरप है ये, मसाला लेमन वाला, ये हमारा फेवरेट है। तो रात ही हम लेके आए, तो बस सोचा कि पहले जल्दी से अब तैयारियाँ शुरू करती हूँ। तो बस जग निकाल लिया है, थोड़ा सा पानी डाला है, और इसमें थोड़ी सी हम चीनी जो है, थोड़ी सी नहीं थोड़ी सी ज़्यादा ही चीनी डाल के इसको जो है मिला लेंगे पानी में, और फिर इसमें हम अपना हिटकारी डालेंगे। तो बस अब ये है कि जल्दी जल्दी से प्रिपरेशंस जो हैं सारी हम लोग करते हैं और टेबल को अपनी सजा देते हैं अपना रोज़ा इफ्तारी खोलने के लिए। तो बस पहले इसको मैं जो है एक बड़ा सा चम्मच ले लेती हूँ इसको मिक्स करने के लिए। बस इधर जो चीनी थी मेरी हो गई है, मिक्स कर ली है मैंने अच्छे से, और अभी जो है बॉटल को हम ओपन कर लेते हैं क्योंकि ये सील पैक है। और गाइस जैसे ही रमज़ान आते हैं ना, ये हर जगह रिलायंस प्राइस सब जगह ये चीज़ें बॉटल्स जो हैं वो शो होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बस अभी जो है इसमें डाल देते हैं हम अपना मिक्सचर। क्या बनता है? हम बना रहे हैं इफ्तारी की तैयारी और बना रहे हैं जूस। मौली साहब को फ़ोन कर दिया? नहीं अभी नहीं, कर दो कॉल, उनको बोल दो कि टाइम से आ जाना। आएंगे भी नहीं है, पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं आएंगे, वो नहीं कि मतलब पहले आ जाए, ये नहीं कहीं वो बाद में आए। तो बस यहाँ हमारा रेडी हो गया है। पानी ये बनाऊंगी साथ में महादेव का योग, तो सैंडविच और भेलपूरी और पापड़ जो है वो फ्राई कर लूंगी, पापड़ भी फ्राई कर लूँगी ना साथ। तो बस गाइस जूस मेरा हो गया, अभी मैंने जो है आलू मैश कर लिए और मैं इसका बनाने वाली हूँ सैंडविच। तो यह है कि आलू का ही सैंडविच मैं बनाऊँगी, और यह है कि अपना लो सैंडविच में तो थोड़ी बहुत चिली या अनियंस डालूँगी, लेकिन महत का यही है कि महत बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो महत का तो बिल्कुल प्लेन रहेगा सैंडविच। और हम लोग का जो है प्याज व्याज अच्छे से चटपटा करके, फिर मैंने अभी फ़िलहाल मायो डाली और आलू भी जो है उसमें पूरा मिक्सचर मिक्स कर दिया। तो बस जल्दी से सैंडविच बना लेते हैं, और आज इतनी खुशी है ना इस टाइम सब कुछ बना रही हूँ गैस, लेकिन बिल्कुल भी आप ये समझिए भूख वूक का कुछ पता भी नहीं चलता है, ये सब चीज़ें कब हो जाती हैं। तो वेल इधर जो है मैं कढ़ाई में पहले ऑयल डाल देती हूँ क्योंकि मुझे
पापड़ जो हैं वो भी फ्राई करने हैं, तो इससे पहले ही है। और वालसा को गाइस फ़ोन कर दिया है, वो बस आ ही रहे हैं घर पे। हेलो हाउ आर यू, कैसे हो? हेलो हाउ आर यू, सब ठीक हैं? आप सबसे पूछ सकते हो खैरियत? रोज़े के बाद यहाँ देखिए सब बर्तन वर्तन बिखरे हुए हैं, अभी सब उठाना है, ये सब वॉश करने हैं। और हाँ, इधर आशफाई हैं छुट्टी में और है विमेंस डे, तो बोले आज स्पेशल चाय बनाता हूँ तुम्हारे लिए, तो इसलिए फाई बना रहे हैं चाय। तो और सर में भी मेरे का इस बहुत दर्द हो रहा था, और बस ये चाय बना लें फिर उसके बाद किचन की जो है ये सफाई शुरू होगी, जो इफ्तारी के बाद हो गई है ख़राब किचन। अच्छे अच्छे बनाना चाय, लौंग की ज़रूरत नहीं है भाई, ऑलरेडी यार वो अदरक वाली चाय है भाई, उसमें सब कुछ जला हुआ है। ये कड़क वाली चाय है यार, जिसमें सब कुछ वाली है। हाँ हाँ, इसमें कुछ इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज आज मतलब कितने सारी चीज़ें हो गई हैं, सुबह में पहले होली मनाई, फिर रोज़ा था तो शबरात थी, तो वो फिर रोज़े की तैयारी चली, और अब फाइनली हो गया विमेंस डे, तो फाइनल एंड हुआ है फाई पे आके, तो जो बना के लेके आए हैं चाय, तो बस अब हम दोनों बैठ के एंजॉय करते हैं अपनी चाय। और हैप्पी विमेंस डे टू ऑल द वंडरफुल विमेंस। और बस आप लोग भी देख लो यहाँ बैठे हुए महात। तो बस फ्रेंड्स अभी 10 बजने वाले हैं, और यह है कि ना फाई का मूड कर रहा है खाने का, ना मेरा मूड है कुछ भी खाने का, क्योंकि अब उस टाइम इतना खा लिया था ना, आदत नहीं है, तो अभी जो है मन नहीं है। तो बस यह है कि सोते टाइम जो दूध वूध है वो ले लेंगे, लेकिन खाना अभी हम लोग आज नहीं खा रहे हैं। और बस यहाँ माहत को जो है मैंने माहत का फेवरेट आलू के पराठे और जो है कर्ड वो दे दिया है, और जनाब देखना ज़रा गाइस वॉच पैन के जो है खाना खाया जा रहा है। दिखाना ज़रा, खड़े होके दिखाना कैसे लग रहे हो गाइस, ज़रा इनको ज़रा आप इनका ज़रा फैशन सेंस देख लिए ज़रा आप, ये कुर्ता और कुर्ते के नीचे पहने हुए हैं शॉर्ट्स, ये इनका फैशन, ये देखिए खुद ही अपने आप में बच्चा खुश है। चलो एंजॉय करो तुम अपने पराठे। और बस मैं अभी आराम से बैठी हुई गाइस सोफे पे, और जो सुबह एलमंड जो है भिगोए थे अंजीर, वो भिगोए तो थे लेकिन ये था ना सहरी में टाइम नहीं मिला, तो अब वो मैं बैठी खा रही हूँ।